Dear students, today we are going to start with the poem Rain on the Roof, which was written by Coates Kinney. As the title suggests, rain means barish or roof means ghar ki chhat par. So, as an introduction, the poet says ki jab bhi barish ki boonde hamare ghar ki chhat par padti hain, to mujhe kuch cheezein, kuch memories recollect hoti hain. Well, this is the appropriate time to read this poem as it is a season of monsoon. बच्चे बारिश के मौसम चल रहा है ना तो हम ईजिली इस पोएम को कोरिलेट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द पोएम विद द फर्स्ट सेंटेंजा. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स एंड द मिलोकी डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज, बच्चे ह्यूमिड का मतलब होता है मॉइस्चर. जब जो हमारे क्लाउड्स होते हैं वो फुल ऑफ वाटर होते हैं. शैडोज मीन्स ब्लैक क्लाउड्स जो फुल ऑफ वाटर से हैं और बारिश अभी शुरू होने ही वाली है. हॉवर, आपने अगर ड्रोन देखा हो तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव करता है. तो जो हमारे जो क्लाउड्स हैं वो भी क्या, एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव कर रहे हैं. ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, यहाँ पे स्टारी का मतलब है स्काई, या जो स्काई है वो फुल ऑफ स्टार्स से फिल है और इमीडिएटली जो ब्लैक क्लाउड्स हैं उसको ओवरकम कर देते हैं. एंड द मिलोकली डार्कनेस, तो जब भी अंधेरा आता है तो हम उसे किसके साथ रिलेट करते हैं, डार्कनेस के साथ, अंधेरे के साथ. एंड जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो पॉइंट कहता है जब भी मैं ऐसा एटमॉस्फेयर देखता हूँ तो मुझे हमेशा क्या है, एक दुख होता है कि ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो चुपचाप से रो रहा है. वो ऐसा फील करवाता है कि वो बहुत दुखी है और वो रो रहा है. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overload. तो वो कह रहा है कि जब भी बारिश होती है, जब ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, बहुत खुशी महसूस होती है. टू प्रेस द पिलो, मैं बड़े आराम से अपने कॉटेज में पिलो में आराम करता हुआ ये ऑब्जर्व करता हूँ. तो हियर पॉइंट्स गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन आउटसाइड हिज हाउस और ऑफ हिज रूम. तो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, कॉटेज चैम्बर हेयर मीन्स योर हिज बेडरूम, जहाँ पे वो लेटा हुआ है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर मीन्स साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. तो मैं बहुत आराम से लेटा हुआ और बारिश की बूंदों को महसूस करता हूँ, सुनता हूँ. बच्चे अब आप कहोगे कि हमें तो अपने घर की छतों में बारिश की बूंदें महसूस नहीं होती हैं, सुनाई नहीं देती हैं. सो This kind of thing is created in a special type of material. बच्चे अगर हमारी जो roofs हैं वो tin की बनी हो या abstops की बनी हो तो ही हमें ये ऐसा sound सुनाई देता है. Of the soft rain overload, तो बहुत आराम से जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं तो उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है. Second sentenza, every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start. तो वो कह रहा है every tinkle, टिंकल का मतलब क्या हुआ, लाइट रिंगिंग साउंड. तो यहाँ पे क्या पॉइंट जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं जब भी वो साउंड ऑफ रेन को हर्ड करते हैं. जैसे पहले उन्होंने वर्ड यूज़ किया था पैटर, अब यहाँ पे वो टिंकल यूज़ कर रहे हैं. ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स का मतलब होता है वुडन टाइल्स यूज ऑन रूफ. बच्चे अगर आप लुक एट द पिक्चर, प्लीज सी द इमेज ऑफ द हाउस, कि जो हाउस है वो किससे बना हुआ है, टाइल्स से बना हुआ है. और जब भी यहाँ पे बारिश पड़ेगी तो उसमें क्या एक साउंड क्रिएट होगा जिसको वो नाम दे रहे हैं टिंकल. हैज़ एन ईको इन द हार्ट, तो वो कह रहे हैं जब भी मैं ये सुनाई देता है तो मेरे मन में, ईको का मतलब क्या होता है, रिपीटेड साउंड. तो एको जो है मेरे माइंड में बार बार मेरे हार्ट में वो साउंड जो है वो रिपीट होता है. एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और जब भी मैं ऐसी आवाज़ें सुनता हूँ तो मेरे माइंड में बहुत सारी ड्रीमी मेमोरीज, बहुत सारी मेमोरीज, इमेजिनेशन मेमोरीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं. फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी बीइंग हेयर रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग्स. और जब भी मैं ऐसा आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत सारी न्यू मेमोरीज, न्यू ड्रीम्स मेरे माइंड में चलने शुरू हो जाते हैं. एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. तो वो कह रहा है जब भी मैं ऐसी आवाज़ सुनता हूँ, मैं अपने साउंड रेन के साउंड को हेयर करता हूँ, तो थाउजेंड्स ऑफ रिकलेक्शंस, बहुत सारी मेमोरीज, हज़ारों मेमोरीज मेरे माइंड से
ऑब्जर्व होनी शुरू हो जाती हैं, मुझे बार बार वो चीज़ें याद आने लग जाती हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। बच्चे अगर आपने जो हमारा फैब्रिक होता है जो क्लोथ्स होते हैं आपको पता है थ्रेड से बनता है, और वो थ्रेड कैसे होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज होता है। अगर आप पिक्चर देखो तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दी है, तो जो थ्रेड है वो क्या है, क्रिस क्रॉस पैटर्न से वूव होता है, तो उसको बुनने को हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। तो वो वैसे ही कह रहा है, जब भी बारिश आती है तो बहुत सारी मेमोरीज़, पास्ट मेमोरीज़ या मेरे ड्रीम्स क्या हैं, एयर थ्रेड की तरह। एयर थ्रेड मतलब क्या, वो ड्रीमी मेमोरीज़, वो जैसे फैब्रिक बनता है वैसे मेरे माइंड में बुननी शुरू हो जाती हैं। एज़ आई लिसन टू द पैटर्न, जब भी बारिश की बूंदें मैं सुनता हूँ तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं, ऑफ़ द रेन अपॉन द रूफ। तो बारिश कहाँ हो रही है, उनके रूफ पे हो रही है, और वो सब चीज़ें, वो रिकलेक्शन उनके माइंड में क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। थर्ड सेंटेंसा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज इन ईयर्स एगोन रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। Now in memories come my mother. So in this sentenza, the poet is transported back to the days when his mother was alive. जब उसकी mother alive थी तब उसे याद आने लग गया है कि वो जो memories उसके mind में आ रही हैं तो वो किसकी आ रही हैं, उनकी mother की आ रही हैं। तो वो बता रहा है कि as he used in years agone, agone मतलब क्या होता है, gone by या फिर past की memories। जब बहुत साल पहले उसकी मदर जिंदा थी तब रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स हेयर मीन्स हर स्लीपिंग चिल्ड्रन। तो उसकी मदर क्या है, बहुत आराम से उसको वैसे ही बच्चों की तरह उसको बेड पे टक कर देती थी जैसे अभी वो लाए कर रहा है, और बहुत प्यार से उसकी तरफ देखती थी और उसको विश करती थी कि उसे प्लेजेंट ड्रीम्स आए, और शी डिड दिस एवरी नाइट, वो हर रात को यही करती थी। एरा शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, एरा मीन्स ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर। तो जब तक वो मैं सुबह, जब भी डॉन मीन्स क्या होता है, डे ब्रेक या राइजिंग ऑफ द सन, वो मुझे तब तक डिस्टर्ब नहीं करती थी, तब तक नहीं उठाती थी जब तक क्या है, सन राइज नहीं करता था, मैं तब तक सोता रहता था। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। बच्चे लिस्ट जो है ओल्ड पोएटिक वर्ड है फॉर लिसन। तो वो कहता है कि मैं आज भी इवन ये मेमोरीज़ कि मैं आज भी वो मेमोरीज़ फील करता हूँ कि मेरी जो मदर की प्यारी लवली लुक थी मेरे ऊपर जब मैं सोता था, वो मुझे देखती थी, वो आज भी मैं फील करता हूँ। तो वो पोएट जो है वो अपनी रेन से अपनी जो मेमोरीज़ हैं पास्ट की उसकी मदर की वो कोरिलेट कर रहे हैं। सो वो कहते हैं एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन हेयर क्या मतलब है, रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग और अ पोएम। तो पोएट जो है वो अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो रेन की साउंड को बार बार महसूस करवाने के लिए इम्फोसिस दे रहे हैं कि जो रेन का साउंड है वो उनको बहुत सारी मेमोरीज रिकलेक्ट करते हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो आवाज़ शिंगल्स उनकी टाइल्स के ऊपर पड़कर आवाज़ आ रही है बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो वो सब चीज़ उनको लाइफ में क्या है, बार बार सुनकर उनको अपनी मदर की याद आती है जो बहुत साल पहले उनको छोड़कर चले गए थे। एंड वी ऑल गो थ्रू दिस, जब भी बारिश होती है या हमें कोई ऐसी फॉन्ड मेमोरी हमेशा याद आती है, हम उसको कोरिलेट करते हैं रेनी सीजन के साथ, और इवन वी इन्जॉय रेनी सीजन, हमें अच्छा लगता है कि बारिश हो रही है और हम इसे एक एज अ मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं कि हाँ बारिश से हमारी बहुत सारी मेमोरीज हैं। सो आई होप You get this poem. Thank you for watching this video. Stay safe.